किस तरह संतुलन बनाए हुए, यह साबित करता है कि दिन हो या रात श्वान विजय द्वारा एक टैक्टिकल मूव का प्रदर्शन। ऊंचे टेंट को आसानी से पार कर गया और दुश्मन पर हमला बोलने में सफल भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान। जब भी वफादारी की बात आती है तब सबसे पहले दिमाग में कुत्तों का आता है। इंसान और डॉग्स की दोस्ती के भी कई उदाहरण हमने देखे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हजारों लाखों खर्च कर कुत्तों की नई नई विदेशी नस्लें मंगाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह पालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय कुत्ते भी किसी तरह से कम नहीं, सूझबूझ से लेकर शारीरिक क्षमता में इनका कोई जवाब नहीं। हाल ही में गुजरात के केवड़िया में हुए राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के रामपुर ग्रेहाउंड नस्ल के श्वान और अन्य भारतीय नस्ल के श्वान का हैरतअंगेज करतब देखने को मिला, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। भारतीय सुरक्षा सीमा बल ने इन्हें ट्रेंड किया है। 2020 के मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने भारतीय नस्ल के श्वान के कार्यक्षमता की तारीफ की थी। दुश्मन पर सीधा अटैक। तेजी से श्वान सम्राट हाइडआउट पर चढ़ा और पलक झपकते ही छिपे हुए आतंकवादी पर हमला बोलने में कामयाब होने से पहले थोड़ा सा सोच विचार और ये अचानक हमला, जी हाँ, अत्यंत सराहनीय, बहुत ही मजबूत पकड़, दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमला। 20 फीट सीढ़ी पर जाबाजी। 20 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया में भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली, अगर ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी से भी चढ़ना या उतरना पड़े तो ये भारतीय नस्ल पीछे नहीं। संतुलन, एकाग्रता और इन सभी के साथ पूरी तन्मयता के साथ 20 फुट ऊंची पहाड़ी नुमा सीढ़ी पर चढ़ता ये श्वान मोगली। संतुलन बनाए हुए रामपुर हाउंड श्वान मोगली अब नीचे की तरफ पहुंचता हुआ सफलता के बिल्कुल करीब, और साथी सीमा प्रहरी अपने साथी श्वान की सुरक्षा के लिए वहां तैयार हैं। रस्सी के पुल पर चला श्वान। सम्राट किस तरह रस्सी के पुल को चलकर पार करता है, मकसद यह है कि यदि रस्सी के रास्ते से भी लक्ष्य तक पहुंचना हो तो हम कामयाब रहेंगे। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट बहुत ही सुंदर, अद्भुत, और अब वापस अपने स्थान की तरफ बढ़ता हुआ रामपुर हाउंड श्वान सम्राट। कठिन डगर, अड़िग कदम। तुलन बनाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, प्रशिक्षण, उच्च कोटि का मार्गदर्शन, ये सब कुछ आवश्यक है इन्हें प्रशिक्षित करने में। और अब किस तरह संतुलन बनाए हुए, यह साबित करता है कि दिन हो या रात, अंधेरा, आगे बढ़ने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्य तक पहुंचना ही एकमात्र उद्देश्य। पक्का इरादा। संतुलन और एकाग्रता के साथ ऑपरेशनल एरिया में ऊंचे नीचे रास्तों पर भी आगे बढ़ने में सक्षम ये भारतीय नस्ल के श्वान, प्रशंसनीय तरीके से, और ये इसने अपना मकसद पूरा किया और आगे बढ़ता हुआ। पूरे भारत में श्वान की 11 नस्ल पाई जाती है। डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह ने 2020 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भारतीय श्वान की कार्य क्षमता कुशलता की वाहवाही सुनकर भारतीय श्वान स्क्वाड का गठन किया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय नस्ल की पहले दो रामपुर ग्रेहाउंड और मुधोल हाउंड के श्वान को स्क्वाड में शामिल किया था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रामपुर के नवाब अहमद अली खान ने अफगान हाउंड और इंग्लिश ग्रेहाउंड की क्रॉस ब्रीड से तैयार की स्वदेशी नस्ल, जिसका नाम पड़ा रामपुर ग्रेहाउंड। इसे शिकार करने के मकसद से तैयार किया गया था तथा ये अपने इस काम में माहिर निकले।
मुधौल हाउंड कर्नाटक के बगलकोट इलाके के मुधौल में पाई जाने वाली कुत्तों की ये प्रजाति शिकार और रफ्तार के मामले में जर्मन शेफर्ड से दो गुनी तेज मानी जाती है। अमेरिका में इसे